अभी सदर प्रिंसिपल साहब, इज्जत महाब असातिज़ा कराम और मौजूद हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस अनुमान पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है कुदरती आफात और इनसे बचाव की हिफाजती तदाबीर। सामाईन कराम, ऐसे कुदरती वाकियात को जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन इन वाकियात की वजह से इंसान जान और माल को नुकसान पहुंचता है, कुदरती आफात कहलाती है। इन कुदरती आफात की नियत मुख्तलिफ है, मतलब समंदरी तूफान, सैलाब, जलजले, आतिशबाजी और आसमानी बिजली वगैरह कुदरती आफात है। तबाह हो जाती हैं, माल मवेशी पानी में डूब जाते हैं और मुर्गी जिनकी वजह से मानों सड़कों और दर्शकों को बचाव की तदाबीर। हमें हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और अगर कोई गलती आवाज आ जाए तो सबर का मुजाहिदा करते हुए अपने साथ साथ दूसरों की जाने बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जिन इलाकों में जलजले ज़्यादा आते हैं वहाँ मकानात लकड़ी के बनाए जाएं और बुलंद इमारतें तैमीर ना की जाएं। सैलाब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्त लगाए जाए और दरियाओं के किनारे घर ना बनाए जाएं और ज़्यादा से डैम बनाए जाएं ताकि पानी की ज़्यादा मिकदार को महफूज किया जा सके। पर अमल करते हुए खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम को अपनी अमान में महफूज रखे। शुक्रिया।